नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज से राजस्थान इतिहास की जो टेस्ट सीरीज है, वो भी टॉपिक टेस्ट सीरीज, वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान की क्लासेस करती जो हैं, इनकी टॉपिक टेस्ट सीरीज अपन ने चलाई थी, और आज से स्टार्ट हैं राजस्थान इतिहास की टेस्ट सीरीज। तो आइए आप सभी अपना मूल्यांकन साथ साथ में करें, और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं वो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जो टेस्ट सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनको ज़रूर देखें और अपने साथियों तक भी शेयर ज़रूर करें। आइए करते हैं इसकी शुरुआत। देखिए पहला प्रश्न है कि सिक्कों व रियासतों का निम्न में से असंगत युग्म है। देखिए, गयार सिंधिया शाहपुरा, डब्बू शाही मारवाड़, माधोशाही रुपया जयपुर, ललुलिया जैसलमेर। यहाँ पर पूछा कौन सा असंगत है, तो यहाँ पर ललुलिया जैसलमेर, ये इसमें क्या है असंगत है। देखिए, मारवाड़ रियासत में सोजत की टकसाल में बनने वाला सिक्का कहलाता है ललुलिया, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो चार हैं ये असंगत हो जाएगा, बाकी तीन सही है। दूसरा प्रश्न है, रणकपुर प्रशस्ति के संबंध में निम्न में से असत्य कथन है। देखिए, प्रशस्तिकार ने इसमें भूलवश गुहिल को बापा का पुत्र लिख दिया है। इस प्रशस्ति में बापा और कालबोज दोनों को पृथक पृथक व्यक्ति बताया गया है। इसमें बापा से लेकर कुंभा तक की वंशावली दी गई है। यह लेख रणकपुर के नेमिनाथ मंदिर के स्तंभ पर उत्कीर्ण है। तो असत्य कथन कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर चार। ठीक है, देखिए यह जो लेख है ये रणकपुर के चौमुखा मंदिर यानी आदिनाथ के बाएँ स्तंभ पर उत्कीर्ण है, तो ये इसमें जो चार हैं असत्य हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, राजपूताने की प्राचीनतम लिपि है, महाजनी, खरोष्टी, नागरी, ब्रह्मी, तो कौन सी लिपि है, ब्रह्मी लिपि। प्रश्न नंबर चार है, मानमुरी की शिलालेख के रचयिता थे, बाउक, रत्नप्रभ, पुष्य, नागमुंडी, तो यहाँ पर जाएगा पुष्य। देखिए, चित्तौड़ के पास में जो पुडोली गांव है उसमें मानसरोवर झील के पाल एक स्तंभ पर लिखा हुआ है, ये 713 ईस्वी का लेख है जो कर्नल जेम्स टोड को मिला था, मानमौरी का शिलालेख। ठीक है, रचिता इसके पुष्य। पाँच नंबर प्रश्न है, जयपुर राज्य संबंधित आयवे भेंट उपहार युद्ध आदि में काम आए व्यक्तियों को दी गई इज्जत आदि का विवरण प्राप्त होता है। हकीकत बही, हसबुल हुक्म, दस्तूर कौमवार, ओहदा बही, तो इसमें जाएगा दस्तूर कौमवार। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिलालेख राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कहलाता है, सामूली शिलालेख, बड़ली, नगरी, बुचकला शिलालेख, तो यहाँ पर आ जाएगा बड़ली का शिलालेख। ठीक है, देखिए ये बड़ली का जो शिलालेख कहाँ पर है, केकड़ी जिले के बड़ली गांव यानी भिनाई के बिल्लोत माता मंदिर से एक स्तंभ के टुकड़े से प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। इसकी लिपि है ब्रह्मी लिपि। प्रश्न नंबर सात है, देखिए क्या कर रहा है, सात नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा लेख उदयपुर जिले में प्राप्त नहीं हुआ है, चिरवा शिलालेख, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, वैद्यनाथ मंदिर प्रशस्ति, भ्रमर माता का अभिलेख। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर चार, भ्रमर माता का अभिलेख। ठीक है, तो ये भ्रमर माता का जो लेख है 490 ईस्वी का है, जो प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी के भ्रमर माता मंदिर से प्राप्त हुआ है। आठ नंबर प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, सुंदा पर्वत अभिलेख, हस्तिकुंडी शिलालेख, अपराजित का शिलालेख और बिजोलिया अभिलेख, तो इसमें जाएगा बिजोलिया अभिलेख। प्रश्न नंबर नौ है, बिजक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने व कब खोज की थी, रतन चंद्र अग्रवाल 1954 में, बी वी लाल ने 1952 में, अमलानंद घोष ने 1959 में,
कैप्टन बट ने 1837 में, तो इसका राइट आंसर कैप्टन बट 1837 में। 10 नंबर है, किस प्रशस्ति में कुंभा को दान गुरु, राजगुरु व सेल गुरु कहा गया है। इसके साथ ही कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथों चंडीस्तक, गीत गोविंद की टीका, संगीत राज तथा कई नाटकों का उल्लेख है। एकलिंगी प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, वैद्यनाथ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, तो इसका राइट आंसर है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से शिलालेख प्रशस्ति और उनके उत्तर किरण वर्ष का कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। देखिए, अचलेश्वर शिलालेख 1285 ईस्वी, बिजोले शिलालेख 1170 ईस्वी, चिरवा शिलालेख 987 ईस्वी और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, चिरवा शिलालेख, यहाँ पर आ जाएगा 1273, ठीक है, 1273 ईस्वी का, तो इसमें आ जाएगा चिरवा शिलालेख। 12 नंबर है, घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत, प्राकृत, फारसी, उर्दू, तो यहाँ पर आ जाएगा संस्कृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 13 है, मारवाड़ में प्रचलित रहे आदिवराहा शैली के सिक्कों का संबंध किस राजवंश से है। गुज्जर प्रतिहार, राठौर राजवंश, देवड़ा चौहान, भाटी राजवंश, तो यहाँ पर जाएगा गुज्जर प्रतिहार वंश। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1886 ईस्वी में बूंदी में महाराव राम सिंह के समय किस प्रकार के सिक्के प्रचलन में थे। सालिम शाही सिक्के, झाड़शाही एलची, स्वरूप शाही सिक्के, कटारशाही सिक्के, तो इसका राइट आंसर कटारशाही सिक्के। देखिए, बूंदी में 1886 ईस्वी में कटारशाही रुपया बनाया गया था, कहाँ पर, बूंदी में, ठीक है, जिसमें एक तरफ महारानी विक्टोरिया का नाम था व कटार का चिन्ह और दूसरी ओर था बूंदी राम सिंह 1873 इसमें अंकित था, तो इसमें जाएगा कटारशाही सिक्के। 15 नंबर क्वेश्चन है, ढींगला, भिंडरिया, नाथद्वारिया क्या है। मेवाड़ में प्रचलित ओढ़निया, मेवाड़ के राजस्व करों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, मेवाड़ में सरदारों की श्रेणियाँ, तो यहाँ पर क्या जाएगा, मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, ठीक है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, रियासती काल में राजा की दैनिक दिनचर्या का उल्लेख किस बही में मिलता है। हुकूमतरी बही, हकीकत बही, दस्तूरी बही, मुल्की बही, तो यहाँ पर आ जाएगा हकीकत बही। 17 नंबर क्वेश्चन है, मुगल बादशाह के द्वारा अपने किसी अधीनस्थ राजा या फिर सामंत को जागीर प्रदान करने की स्वीकृति कहलाती थी। फरमान, मंसूर, रुका, सनद, इसमें जगह सनद। अगला प्रश्न है 18 नंबर, राज परिवार की दैनिक आवश्यकताओं के खर्च का विवरण मिलता है दस्तूर कोमवार में, कमठाना बही में, सैयद हजूर में, वकील रिपोर्ट में, तो यहाँ पर आ जाएगा सैयद हजूर में। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहियों में से किन बहियों में राजकीय भवनों के निर्माण का विस्तृत विवरण मिलता है। हकीकत बहियाँ, कमठाना बहियाँ, शहरलेखा बहियाँ, हवाला बहिया, तो यहाँ पर आ जाएगा कमठाना बहिया। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाडी रानी कर्मावती के द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा है। पुर का ताम्रपत्र, चिकली ताम्रपत्र, ढोल का ताम्रपत्र, मथन देव का ताम्रपत्र, तो इसमें आ जाएगा पुर का ताम्रपत्र। देखिए, गुजरात शासक था कौन, बहादुर शाह। बहादुर शाह के चित्तौड़ आक्रमण के समय हाडी रानी कर्मावती ने जौहर में प्रवेश करते समय करण तिवाड़ी को एक हल भूमि दान में दी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजस्थान से प्राप्त किन दो अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्य का संबंध राजस्थान से था। कंसवा कोटा एवं मानमौर्य चित्तौड़गढ़, भुजकला जोधपुर ग्रामीण एवं मंडोर जोधपुर, चाटसू लेख जयपुर, सारणेश्वर उदयपुर, हस्तिकुंडी पाली एवं पाणाहेड़ा बांसवाड़ा, इसमें जाएगा कंसवा कोटा और मानमौर्य चित्तौड़गढ़ का शिलालेख या अभिलेख। 22 नंबर है, अपराजित की शिलालेख के रचयिता कौन है। गुणभद्र, करणिक, दामोदर, मग, इसमें जाएगा दामोदर। देखिए, अपराजित का शिलालेख यह है 661 ईस्वी का,
नागदा गांव के निकटवर्ती कुंडेश्वर के मंदिर से डॉक्टर ओझा को मिला था। 23 नंबर है, किस स्थल से शासक मिनंड के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? आहाड़, रेड, बेराट, नालेसर। इसमें जाएगा बेराट। क्वेश्चन नंबर 24 है, बड़वा ग्राम 12 से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 2, 3, 6, 4। इसमें जाएगा 3। 25 नंबर है, सारणेश्वर सांडनाथ प्रशस्ति का संबंध किस जिले से है? पाली, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। इसमें जाएगा उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 26 है, चित्तौड़गढ़ का कुमारपाल का शिलालेख किस वर्ष का है? 1050 ईस्वी, 1150 ईस्वी, 1250 ईस्वी, 1350 ईस्वी। यहाँ पर आ जाएगा 1150 ईस्वी का। 27 नंबर है, चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थी के द्वारा रचित किस नाटक को 2.5 दिन का झोंपड़े की दीवारों पर लिखा हुआ है? हरिकेली, बिशलदेव रासो, ललित विग्रहराज, सृजन चरित्र। इसमें जाएगा हरिकेली। क्वेश्चन नंबर 28 है, लूण वसही आबू देरवाड़ा की प्रशस्ति किस वर्ष की है? 1130 ईस्वी, 1230, 1330, 1430। तो यहाँ पर जाएगा 1230 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 29 है, वह अभिलेख जिसमें सांबर के चाहमान शासकों के वंशक्रम व उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? मंडोर अभिलेख, बड़ली प्रशस्त्र अभिलेख, अर्थुण अभिलेख, हर्षनाथ मंदिर अभिलेख। यहाँ पर जाएगा हर्षनाथ मंदिर अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 30 है, किन अभिलेखों में राज्य की जनगणना का विवरण मिलता है? मर्दू शुमारी, हसबुल हुकम, दस्तूर कौमवार, वकील रिपोर्ट। यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मरदूम शुमारी। क्वेश्चन नंबर 31 है, किस अभिलेख को कर्नल टोड के द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था? बड़ली, बरनाला, मानमोरी, बुचकला शिलालेख। तो कौन सा जाएगा? मानमोरी शिलालेख। तो ये आज के महत्वपूर्ण 31 प्रश्न थे, ठीक है, जो राजस्थान के इतिहास के स्रोतों से लिए गए हैं। अब ये जो टेस्ट सीरीज है इतिहास की अगर रेगुलर चलेगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी जो भूगोल और क्लास एन से करती की टेस्ट सीरीज है उनकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप वहाँ पर जाकर एक एक टॉपिक के क्वेश्चन देख सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।